मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। असरारुल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी, इस नाम से कौन वाकिफ नहीं है। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार यादगार नगमे देने वाले हर दिल अजीज नगमा निगार, लेकिन उससे भी पहले एक बेहतरीन और अजीम शायर मजरूह सुल्तानपुरी। आज उनकी यौमे पैदाइश के इस मौके पर बज़्मे उर्दू दुबई की जानिब से मैं मुस्कान सैयद रियाज उनकी शख्सियत का जश्न मनाते हुए एक छोटी सी पेशकश लेकर हाजिर हूँ। जिक्र हो मजरूह सुल्तानपुरी का और उनकी फिल्मों के कुछ ऐसे नगमे याद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो उनका ये नगमा हो, रहें ना रहें हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। और ऐसे ही ना जाने कितने नगमे हैं जो आप और हम आज भी गुनगुनाते हैं और जिनका जादू आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मजरूह सुल्तानपुरी का ये फिल्मी सफ़र कैसे और कब शुरू हुआ? तो चलिए आज बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी जो ज़रा कम सुने और सुनाए जाते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश निज़ामाबाद हिंदुस्तान में 1919 में हुई। आपके वालिद साहब एक पुलिस अफसर थे और इस बात के खिलाफ थे कि आपको अंग्रेजी तालीम दिलाई जाए, इसलिए आपका दाखिला एक मदरसे में किया जहां से आप बतौर एक आलिम फारिगुल तहसील हुए और उसके बाद आपने तकमील उत्तिब लखनऊ से यूनानी मेडिसिन की तालीम भी हासिल की और कई साल बतौर एक हकीम प्रैक्टिस भी किया। लेकिन शायरी का शौक तो शुरू से ही था, तो हुआ यूं कि एक मुशायरे के दौरान आपके कलाम को इतनी सराहना मिली कि उस दिन आपने फैसला कर लिया कि अब शायरी ही करनी है। आपने अपनी तिब की प्रैक्टिस छोड़ छाड़ शायरी को ही अपना पूरा वक्त देना शुरू किया। अपने उस्ताद जिगर मुरादाबादी के साथ साथ 1945 में मुंबई का एक मुशायरा पढ़ा जहां पर AR कारदार उस वक्त के मशहूर और मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर की नज़र मजरूह पर पड़ी और उनका कलाम बहुत पसंद किया और फरमाइश की कि भाई आप मेरी फिल्मों के लिए नगमे कहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मजरूह सुल्तानपुरी ने इनकार कर दिया। वो इस बात के हक में बिल्कुल नहीं थे कि फिल्मों के लिए वो अपना कलाम पेश करें या लिखें, लेकिन आपके उस्ताद जिगर मुरादाबादी साहब की सलाह पर आपने इस बात को कबूल किया और फिर नौशाद साहब की फिल्म शाहजहां के लिए आपने अपना पहला नगमा फिल्मी नगमा लिखा। जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के, ये था मजरूह सुल्तानपुरी का पहला नगमा और इसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही रहा। मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने मौजूदा तखल्लुस से पहले अपने लिए कुछ और एक तखल्लुस भी मुंतखब किया था, क्या आप जानते हैं? और वो तखल्लुस था नासे। नासे का मतलब होता है रिलीजियस प्रीचर। लेकिन फिर नौजवानी के उस दौर में आपको किसी से इश्क हुआ और इश्क में दिल टूटा, तो कुछ दोस्तों के मशवरे पर आपने अपना तखल्लुस बदल कर मजरूह रख दिया, और मजरूह यानी जख्मी रूह। खैर, मजरूह सुल्तानपुरी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स के भी बहुत एक्टिव मेंबर रहे हैं और आपके कलम से ऐसा इनकलाबी कलाम भी निकला कि जिसकी बदौलत आपकी एक नज्म की वजह से आपको जेल की हवा भी खानी पड़ी। सरकार ने आपसे कहा कि माफी नामा भेजें, जिसके लिए आपने इनकार कर दिया और चले गए जेल के अंदर।
मजरू सुल्तानपुरी को कई अवार्ड से भी नवाजा गया, जैसे कि फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड, जो कि फिल्म दोस्ती के उनके नगमे चाहूंगा मैं तुझे के लिए उन्हें दिया गया। गालिब अवार्ड से भी आपको नवाजा गया और आप वो पहले और वाहिद नगमा निगार हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। और जनाब 2013 में तो मजरू सुल्तानपुरी के नाम की डाक टिकट भी जारी की गई। तो नाजरीन, ये थे मजरू सुल्तानपुरी की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। और बज़्म उर्दू दुबई ने पिछले साल मजरू सुल्तानपुरी को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपने सेगमेंट फन स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। उस यादगार प्रोग्राम की कुछ खूबसूरत झलकियां आपके लिए हाजिर हैं और इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज़।